हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 27 आयत में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आती है तो आपके साथ संबंधित हर एक चीज बदल जाती है, जैसे कि गरीबी अमीरी में और बीमारी चंगाई में बदल जाती है। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण आपका हर एक जुआ जो आपके कंधे पर है, जिसे आप देख नहीं सकते, वह आपके जीवन से नाश कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर छाएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और सारे यहूदिया और सारे यरूशलेम और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। याद रखें, आप केवल परमेश्वर के वचन को लेकर उसके गवाह नहीं बन सकते। जब तक परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में छाया नहीं करती, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए नहीं और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखें, शैतान हमेशा उन लोगों से डरेगा जिनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। जब आप बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया तो वह ऊंचा किया गया और लोगों में एक महान मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को मूसा पर उडेल कर इसराइलियों को उसके द्वारा छुड़ाया और वायदे की जमीन पर पहुंचाया। इसी तरह से जब आप अब्राहम और लूत के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब उन दोनों के चरवाहों में झगड़ा होने लगा तो अब्राहम ने कहा कि हम दोनों नहीं लड़ेंगे। उसने लूत से कहा कि जो जमीन तुझे अच्छी लगे तू उसे चुन ले। जब लूत को फैसला करने का मौका मिला तो उसने अपनी आंखों से चलने का फैसला किया और उसने हरियाली वाली जमीन को अपने लिए चुन लिया। आने वाले समय में वही देश नाश किया गया और लूत ने अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन अब्राहम एक बात को जानता था कि उसका प्रतिफल किसी इंसान की ओर से नहीं है। जब अब्राहम ने सूखे हिस्से को चुना तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी चारों ओर जहाँ देख सकता है देख ले, क्योंकि मैं तुझे सब दूंगा जो तू देख सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हुए उसकी सामर्थ्य को पाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं। याद रखें, जब आप परमेश्वर की आत्मा को चुनेंगे तो आप परमेश्वर के द्वारा चुने जाएंगे। अगर आप अपना जीवन पवित्रताई प्रार्थना उपवास अनुशासन में रहते हुए परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे तो आप सामान्य नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपका बदलाव बहुत से लोगों के लिए भी बदलाव का कारण होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ें या सुनें, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में आए और ये आपके नाम में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।